अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्णा, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने 4 मोदक की रेसिपी डाल चुकी है अपने चैनल पर, तो आप उसे जरूर देखिएगा। लिंक आपको या तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूध की मोदक, जो कि बहुत इजीली बन जाती है। तो गणपति पापा आ गए हैं तो उनके लिए जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं बनती कैसे है ये। तो देखिए, गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर काफी सारे मोदक की रेसिपी डाली हुई है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ जो गणेश भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, दूध के मोदक। वैसे तो मावा के भी मोदक बनते हैं, लेकिन अभी बाजार में कोई भी मावा सही मिल रही है कि नहीं आप नहीं जान सकते, तो उसे हम घर में बनाकर और मोदक बनाएंगे बहुत ही अच्छी, और 4 तरह के फ्लेवर में और 4 कलर में आज मैं आपको मोदक बनाने बताने जा रही हूँ। बिना मोदक मोल्ड के भी मैं आपको मोदक कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगी। तो अभी हमने पैन लिया है, इसे गैस पर नहीं रखा है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध। आप चाहे तो गैस पर चढ़ाकर भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन गैस पर कभी कभी क्या होती है, लंप्स आ जाती है। तो 1/2 कप दूध हमने इसमें डाल दिया है। ये दूध आप बॉयल भी ले सकते हैं, कच्चे दूध भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे ये 1 कप मिल्क पाउडर। तो दूध पाउडर और दूध तो इजीली कहीं भी मिल जाती है। और अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। धीरे धीरे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए, मैंने मिल्क पाउडर एक साथ ही डाल दिया है। आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने गैस ऑन नहीं किया है, गैस पर नहीं पैन रखा है, तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी मिल्क पाउडर इस साइड से लेकर उसे हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारे दूध पाउडर में कभी कभी गैस ऑन करके करने से लम्स आ जाती है, तो दिक्कतें आती है, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ आपको। ऐसे पहले मैं मिक्स कर लूंगी, उसके बाद मैं इसे गैस पर चढ़ाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर सारे मिल्क पाउडर को हमने एक साथ मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल लम्स नहीं है। 1/2 कप दूध में 1 कप मिल्क पाउडर हमने ऐड की है और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम अच्छी तरह से इसे थोड़ी सी इस तरह से प्रेस करते हुए मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, जो भी थोड़े बहुत लम्स हो। देखिए, दूध और दूध पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे साथ ही में। तो ये हमारी बन गई मावा। तो ये मावा आप घर में बना रहे हैं तो आपको कोई भी शंका नहीं रहेगी कि इसमें किस चीज का यूज किया गया है, बाजार वाले में किस तरह का मावा है नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने घी और दूध पाउडर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, मिल्क पाउडर, मिल्क और घी को हमने मिक्स करके इस तरह से ये एक तरह से ये मावा बन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी 1/2 कप। इस चीनी को हमने मिक्सर में पीस कर छान लिया है। तो छान लेने से क्या होती है, कोई भी थोड़ी भी बारीक छलनी से हमने छानी है। अब हम चीनी को भी इसमें मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम गैस ऑन करके इसे पका लेंगे। तो इतना काम यदि आप गैस ऑन करने के पहले कर लें तो आपको दिक्कतें भी नहीं आएगी, लम्स भी नहीं आएंगे और जल्दी आपकी बन जाएगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो देखिए, इसमें हमने चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं ये पतली हो गई है थोड़ी सी। तो चलिए, अब हम गैस ऑन करके इसे पकाएंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए, चीनी मिक्स करने के बाद ये थोड़ी लिक्विडी हो गई है, तो चीनी थोड़ी पिघलती है। चीनी की पाउडर हमने डाली है
तो अब हम इसे इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए, लगातार चलाते हुए हम इसे सुखा लेंगे। जिस तरह का एक डो बन जाए मोदक बनाने के लिए, बस उतना ही हमें करना है। तो जब तक ये इसे लगातार चलाना है, नहीं तो इस तरह से तले में ले जाकर चलाना है, नहीं तो ये बिल्कुल नीचे लग जाएगी। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। गैस में चढ़ाने के बाद इसे हमें लगातार इस तरह से चलाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है हमने, हाई बिल्कुल मत रखिएगा। और आप देख सकते हैं बहुत जल्दी गाढ़ी होने लगती है, लगभग 5 मिनट में ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी। देख सकते हैं ये एक तरह से डो फॉर्म में आने लगी है। तो इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लगातार इस तरह से चलाते रहना है। हमें अभी चलाते हुए सिर्फ 1 मिनट ही हुए हैं और ये डो फॉर्म में आने लगी है। तो देखिए आप, ये बंदी बंदी सी हो गई है और सिर्फ हमें चलाते हुए भी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और इस तरह की ये डो बनकर रेडी हो गई है। इसे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो ये सूख जाएगी और सूख जाएगी तो ये हार्ड हो जाएगी। तो इतना ही पकाना है हमें जितना कि ये ठंडी होने के बाद एक डो जैसी बनी रहे, अधिक सूखे नहीं। देखिए ये पैन अपने आप छोड़ने लगी है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी गैस को ऑफ। गैस को हमने ऑफ कर दिया है लेकिन पैन हमारी गर्म है, तो हम इसे हल्का सा इस तरह से थोड़ी देर तक, जब तक पैन हमारी गर्म है, चलाते रहते हैं ताकि ये नीचे से लग ना जाए। ये हमारा होममेड मावा बनकर रेडी हो गया है। मावा बहुत ही काम में आती है, किसी भी मिठाई में मावा की जरूरत जरूर पड़ती है। अब दीपावली आ रही है तो सारे मिठाई इसी तरह से बनेंगे। मावा, होममेड मावा की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये इसे हम इस तरह से फैला देते हैं और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके मोदक बनाएंगे। तो चलिए इसे मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, और मैंने इसे थोड़ा फैला दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो देखिए ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो हाथों में थोड़ी सी या तो इसमें घी लगा लीजिए थोड़ी सी, या हाथों में थोड़ी सी घी इस तरह से लगा लीजिए और इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। डो बहुत ही अच्छी बनी है, गीली भी नहीं है और अच्छी तरह से ये ठंडी हो गई है। इस तरह से इसे इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पर। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये डो बनकर रेडी हो गई है। गणपति को ये वाली मोदक काफी पसंद है। वैसे मैंने पहले भी 3-4 मोदक अपने चैनल पर ऐड कर दिया है, तो वीडियो के लास्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। सूजी के मोदक, बिना मावा, बिना घी, बिना चीनी के मोदक, सारे मोदक मैंने ऐड कर दिए हैं अपने चैनल पे। और भी कोई मोदक आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखकर बता सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से डो बन गया है। अब हम इसमें 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 4 पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 4 डिफरेंट टाइप के स्वाद और डिफरेंट टाइप के 4 तरह के मोदक मैं बता रही हूँ आपको, तो इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तो देखिए इस तरह का एक मोदक मोल्ड हमने लिया है, ये छोटी वाली मोदक मोल्ड है। इससे पहले मैंने बड़े वाले मोदक मोल्ड में बनाए, तो ये एक कील होती है, इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह की ये होती है। तो देखिए इसे हम घी से पहले ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। इसे हमने ग्रीस कर दिया, इसे हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए एक मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ, तो इन सारे को हटा लेते हैं और एक मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो सिंपल वाले जो है इसमें हम डालेंगे ये इलायची का पाउडर,
दो तीन इलायची को हमने इस तरह से क्रश कर लिया है और सिर्फ इलायची पाउडर डालकर हम इसे बनाएंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और अच्छी तरह से हम इलायची पाउडर को इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये सिंपल वाला हम इस तरह से इलायची हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे मोल्ड में डाल देते हैं। या तो आप इस तरह से मोल्ड में डाल सकते हैं, तीनों भाग में आपको थोड़ी थोड़ी इस तरह से डालनी है, और या तो पूरी बंद करके मैं दिखा दूंगी। एक मैं इस तरह से दिखा देती हूँ, आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से मोदक को मोल्ड में डाल सकते हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी मिश्रण को हमने इस तरह से तीनों में भर दिया है। इसे हमने बंद कर दिया है और इसे उंगलियों से इस तरह से हम प्रेस करेंगे, देख सकते हैं आप। तो इसमें आप चाहें तो कुछ भी फिलिंग भर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसमें किशमिश डाल रही हूँ, आप गुलकंद वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। और देखिए किशमिश डालकर थोड़ा सा डो लेकर हमने इसमें भर दिया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सिंपल वाली मोदक हमारी बन गई है और अभी हम इसे निकालेंगे इस तरह से नीचे से। तो गणपति को भोग लगाने के लिए बहुत ही अच्छी मोदक है। एक प्लेट में मैं इसे रख देती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक बना लिया हमने और एक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए एक इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ऐसे हमने बंद कर लिया है और एक डो तैयार कर लिया इसका पतला सा, और इसे हम अंदर इस तरह से बंद करके डाल रहे हैं और साइड्स में इस तरह से उंगलियों से साइड्स करते जाएंगे ताकि बीच में फिलिंग के लिए हमारी जगह भी बन जाए और जो मोदक का जो शेप है वो इस तरह से उंगलियों से प्रेस करने से बहुत ही अच्छा इसका शेप आ जाता है। तो जिस तरह से दो तरह से मैंने आपको दिखाई, आपको जिस तरह से इजी लगे आप बना सकते हैं इसे। तो ऐसे हमने बीच में जगह बना लिया है। थोड़ी सी मैं किशमिश डाल देती हूँ इसमें। आप बिना फिल किए भी बना सकते हैं, बिना फिल किए भी मोदक काफी अच्छी बनती है। तो इस तरह से मैंने किशमिश डाल दिया। अब थोड़ा सा ये डो लेकर हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये हमारी दूसरी वाली मोदक बन गई है। देखिए वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी ये भी मोदक बनी है। तो दो तरीके से मैंने आपको दिखाया है, आपको जैसे पसंद आए जैसे आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। इसी तरह से और भी मोदक हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल वाले चार मोदक हमारे बन गए हैं। थोड़ी छोटे साइज के मैं बना रही हूँ, प्रसाद देने में भी आसानी रहती है। अब दूसरी मैं बनाऊंगी केसर पिस्ता मोदक। तो देखिए केसर को हमने दूध में भिंगो कर रखा है, तो इसका दूध हम इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे बस कलर के लिए। 2 टीस्पून मैंने डाली है जिससे इसमें हल्की अच्छी कलर आ जाती है, येलो कलर। इसे मिला लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा इसमें येलो कलर आ गया है केसर से। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। तो देखिए इसे हमने घी लगाकर बंद कर लिया है। इसमें हम डो डालेंगे और इसे हम साइड से इस तरह से उंगलियों से प्रेस करते जाएंगे ऐसे, ताकि इसकी जो शेप है वो प्रॉपर आ सके और बीच में हमारी स्टफिंग के लिए जगह बन सके। देखिए इस तरह से उंगलियों से जैसे मैं कर रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी पिस्ते की स्टफिंग। आप बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं या किसी और चीज के भी स्टफिंग डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिस्ता को हमने इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ है, इसे हम इसमें डालेंगे। एक स्पून ले लेते हैं। तो देखिए पिस्ते की स्टफिंग को हम इसमें अंदर डाल देते हैं। इसे हमने डाल दिया, अब हम इसका मुंह बंद कर देते हैं। स्टफिंग हमने डाल दी, अब हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से। ऐसे बंद करके हम इसे प्रेस कर देते हैं।
इसे भी खोल कर मैं देख लेती हूँ। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी केसर पिस्ता मोदक बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसे भी मैं वही प्लेट में रख लेती हूँ। इसी तरह से दूसरी वाली को भी मैं उसी तरह से बना लूंगी। देखिए ऐसे डो को इसमें डालना है, सारे के मेथड सेम है, सिर्फ स्टफिंग अलग अलग है और इसकी फ्लेवर और कलर अलग है। बस ऐसे डालना है, उंगलियों से प्रेस जरूर कीजिएगा ये वाली। यदि आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो मोदक की शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए इसमें भी हम पिस्ते की स्टफिंग डाल देते हैं। तो ये हमारी केसर पिस्ता मोदक हो गई, बंद कर देंगे। तो देखिए इसे हमने बंद कर दिया इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा हो उसे हटा दीजिए। अब इसे भी मैं खोलकर दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए ये हमारी दूसरी वाली भी केसर पिस्ता मोदक बनकर रेडी हो गई है, और कितनी सुंदर बनी आप देख सकते हैं। इसे भी मैं उसी प्लेट में रख लेती हूँ। इसी तरह से मैं और भी केसर पिस्ता मोदक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि तीसरी मोदक किस तरह से बनेगी। तो तीसरी वाली मैं बता रही हूँ इस तरह से, यदि आपके पास रेड कलर की कोई शरबत हो तो ले लीजिए, या फूड कलर आप ले सकते हैं। ये हमारी बीट रूट की कलर है। बीट रूट की कलर मैंने बीट रूट को सुखाकर पीस कर रखा था, मेरे चैनल पर वो रेसिपी है, आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये थोड़ी सी मैं बीट रूट के कलर वाली बना रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ी सी हाफ टी स्पून ही डाली हूँ, देखती हूँ इसे मिक्स करके किस तरह का इसका कलर हो रहा है। तो ये बिल्कुल पिंक कलर की हमारी मोदक बनकर रेडी होगी, देखिए। तो देखिए ये हमारी पिंक कलर रेडी हो गई है। तो अब हम इसके भी मोदक बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से डो हमें डालना है, जैसे हमने सारे मोदक बनाए हैं उसी तरह से इसे भी हमें बनाना है। तो इसमें आप चाहे तो गुलकंद की फिलिंग को डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी गुलकंद अवेलेबल नहीं थी, तो मैं इसमें किशमिश की फिलिंग डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने सेम मेथड से इसे भी उंगलियों से प्रेस करते हुए बीच में जगह बना ली है। अब हम इसमें डालेंगे ये किशमिश, और किशमिश को हमने थोड़ी बारीक चॉप कर ली है, मोटी मोटी चॉप कर ली है, देख सकते हैं हम। एक किशमिश में दो पीस हमने कर लिए हैं। अब हम इसे भी उसी तरह से बंद करेंगे जैसे सारे मोदक को हम बंद करते हैं, और एक्स्ट्रा को हम हटा देंगे। तो देखिए ये पिंक वाली हमारी बन गई है, इसे भी मैं खोलकर आपको दिखा देती हूँ। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर बनी है, बहुत खूबसूरत लग रही है, और गणपति बप्पा तो एकदम खुश होने ही वाले हैं। तो इसे भी मैं सेम प्लेट में रख लेती हूँ। एक और मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से डो भरना है और उसे उंगलियों से इस तरह से प्रेस करना है सब तरफ। यदि डो कम हो तो आप डाल लीजिए, और ऐसे हमें जिस तरह से मैं कर रही हूँ उंगलियों से ऐसे साइड्स को प्रेस करना है, तभी आपकी प्रॉपर शेप, आपकी मोदक की जो शेप होती है वो आएगी। यदि आप उंगलियों से प्रेस इस तरह से नहीं करेंगे तो मोदक की शेप आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी, अच्छी नहीं बनेगी मोदक। और आपको फिलिंग के लिए भी जगह चाहिए, तो इस तरह से मैंने बना लिया किशमिश। आप अपनी फिलिंग अपने मनपसंद अनुसार भर सकते हैं किसी भी चीज की, या बिना फिलिंग के भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फिलिंग आपको डालनी ही है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे भी बंद कर लिया, अब मैं खोलकर दिखाती हूँ आपको। चलिए अब हम इसे खोलकर दिखा देती हूँ मैं। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे जब भी उठाइएगा इस तरह से नीचे से, देखिए बहुत ही अच्छी हमारी पिंक कलर की मोदक बनकर रेडी हो गई है। तो इसे भी मैं प्लेट में रख देती हूँ और सारे को इस तरह से बना लेती हूँ। तो देखिए ये है हमारी चौथी नंबर डो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये कोको पाउडर है। कोको पाउडर को हमने 2 चम्मच दूध में अच्छी तरह से
इस तरह से फेट कर रखा है। यदि आप ऐसे कोको पाउडर डालेंगे तो आपको मुश्किल आएगी इसमें मिक्स करने में, तो मैं इसमें 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। और ऐसे हम मिक्स करके देख लेते हैं कि किस तरह की कलर आ रही है, नहीं तो मैं इसमें और 1/2 चम्मच ये कोको पाउडर वाला दूध जो हमने रखा है सिर्फ डाल देंगे। तो देखिए 2 टीस्पून हमने ये मिक्स को डाला है और इस तरह का डो हमारा तैयार हो गया है चॉकलेट वाला। इसे भी मैंने जैसे सारे मोदक को बनाए हैं उसी तरह से बना लेती हूँ। तो इस तरह से घी थोड़ी सी और मैं लगा लेती हूँ क्योंकि काफी मोदक बन चुके हैं, तो बीच बीच में आप घी लगाते रहिएगा इसमें। और उसी तरह जैसे हमने सारे मोदक बनाए उसी तरह से डो को हमें डालना है और साइड्स में पेस्ट करना है। इस तरह से भी आप भर सकते हैं या डो जैसे मैंने इस तरह से गोली बना के भरी थी लंबी, उस तरह से भी बना सकते हैं आप। ऐसे उंगलियों से जरूर प्रेस कीजिएगा तभी आपकी शेप आएगी, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उंगलियों से प्रेस करना आपको बहुत जरूरी है प्रॉपर मोदक की शेप के लिए। तो इस तरह से हमने बीच में जगह भी बना ली, प्रेस भी कर ली। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। इसे मैं फिल कर रही हूँ, ये काजू को हमने छोटे छोटे चॉप कर ली, काजू से फिल कर रही हूँ। आप चाहे तो नारियल या किसी भी चीज से फिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए स्पून से मैंने काजू के टुकड़ों को डाल दिया, थोड़ी सी प्रेस कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से अंदर चली जाए। और अब हम इसका डो लेकर इसे हम बंद कर देंगे। डो को बंद करने के बाद इस तरह से प्रेस कर दीजिए ऐसे। तो चलिए अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। चलिए इसे खोलते हैं। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी चॉकलेट वाली, चॉकलेट फ्लेवर वाली और चॉकलेट कलर वाली मोदक बनकर रेडी हो गई। तो बच्चों को तो काफी पसंद आने वाली है और गणपति को भी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे रख लेते हैं उसी प्लेट में। तो देखिए इस तरह से और भी चॉकलेट मोदक मैं तैयार कर लेती हूँ ऐसे। तो देखिए सारे कलरफुल मोदक हमारे बनकर रेडी हो गए, आप देख सकते हैं। तो गणपति को सबसे अधिक पसंद है पीले वाले केसर पिस्ता मोदक, तो जो 4 बनी है, और व्हाइट वाली जो बिल्कुल सिंपल थी इलायची वाली वो भी 4 बनी है, और 2 हमारी 3-3 बनी है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो केसर पिस्ते वाले मोदक में इस तरह से मैं केसर लगा देती हूँ ऐसे। केसर लगाने से अच्छी लगती है थोड़ी। और ये चॉकलेट वाले में थोड़ी सी मैं इस तरह से काजू के कतरन में लगा दे रही हूँ। आप नहीं भी डेकोरेट करेंगे तो भी चलेगी, लेकिन डेकोरेट कर देने से अच्छी लगती है। और ये जो सिंपल वाली है इस पे मैं ऐसे एक एक पिस्ता लगा देती हूँ, तो ये और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए ऐसे पिंक वाले पर भी थोड़े काजू लगा दीजिए, कुछ पिस्ते लगा दीजिए इस तरह से, तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस तरह से मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने डेकोरेट कर दिया तो ये और भी खूबसूरत लग रही है ना। तो चलिए आप भी इस प्रसाद को गणपति को जरूर चढ़ाइए इस बार गणपति के महोत्सव पर। तो इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये दूध से बनी मोदक की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।